नमस्कार, स्वागत है आपका आपके साथ। मैं हूं गुलविश और आप देख रहे हैं हमारा खास शो विशुद्ध राजनीति। इस शो के जरिए बिना लाग लपेट एकदम निष्पक्ष रहकर हम आपको रूबरू कराएंगे देश की राजनीति से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर से। तो चलिए शुरू करते हैं विशुद्ध राजनीति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महाराष्ट्र दौरे का आज दूसरा दिन है। पीएम मोदी राज्य में एनडीए और महागठबंधन के उम्मीदवारों के प्रचार अभियान में जुटे हैं। इसी कड़ी में आज प्रधानमंत्री मोदी ने मराठवाड़ा के लातूर और उस्मानाबाद में दो चुनावी सभाओं को संबोधित किया। लातूर और उस्मानाबाद में बीजेपी उम्मीदवारों के लिए पीएम मोदी ने समर्थन मांगा और कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि एक स्थिर सरकार भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान का भी ध्यान रखती है, इसलिए बीजेपी सरकार का सालाना बजट बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए है और ये कांग्रेस के शासन में लाए गए 10 साल के बुनियादी बजट के बराबर है। साथियों, जब देश में मजबूत सरकार होती है तो उसका ध्यान वर्तमान के साथ ही भविष्य की योजनाओं पर भी होता है। यही सोचकर आज भाजपा सरकार रेल, रोड, एयरपोर्ट पर अभूतपूर्व खर्च कर रही है। जितना कांग्रेस सरकार ने अपने 10 साल में खर्च किया उतना आज हम 1 साल में खर्च कर रहे हैं। महाराष्ट्र तो सहकारिता की धरती है। एनडीए सरकार खेती में सहकारिता का दायरा बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही है। बीते 10 साल में 8,000 से ज्यादा किसान उत्पाद संघ एफपीओ बने हैं। हमने एक और बड़ा काम किया है, हमने दुनिया की सबसे बड़ी भंडारण योजना बनाई है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के सुधाकर श्रृंगारे लातूर से दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ उनका मुकाबला कांग्रेस के शिवाजी कालके से है। वहीं उस्मानाबाद सीट पर शिवसेना के मौजूदा सांसद ओम राजे निम्बालकर का मुकाबला महायुति की अर्चना पाटिल से है। महायुति में बीजेपी, शिंदे वाली शिवसेना और अजीत पवार के नेतृत्व वाला एनसीपी गुट शामिल है। यहाँ लोकसभा के तीसरे चरण में 7 मई को वोट डाले जाएंगे। उस्मानाबाद महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र का 7वां सबसे बड़ा शहर है। हालांकि अब इसे धाराशिव के नाम से जाना जाता है क्योंकि राज्य सरकार ने जिले का नाम बदलकर धाराशिव कर दिया है। इस सीट के तहत 8 विधानसभा सीटें आती हैं। बात करें 2019 के लोकसभा चुनाव की तो राजा निम्बालकर ने एनसीपी के उम्मीदवार राणा जगजीत सिंह पाटिल को भारी मतों के अंतर से हराकर इस सीट पर जीत हासिल की थी। उत्तर प्रदेश की 2 हाई प्रोफाइल सीटें रायबरेली और अमेठी पर सस्पेंस बरकरार है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि प्रियंका गांधी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी, वे केवल चुनाव प्रचार करेंगी। वहीं राहुल गांधी के अमेठी या रायबरेली से चुनाव लड़ने पर कल तक फैसला आ सकता है। इससे पहले खबर थी कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अमेठी और रायबरेली सीटों से चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। कहा जा रहा था कि इन सीटों पर उम्मीदवारी के ऐलान से पहले प्रियंका और राहुल अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन कर सकते हैं। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की अमेठी रायबरेली से चुनाव लड़ने की अटकलों को लेकर कहा है कि अपनी परंपरागत सीट छोड़कर भागे हैं। हो सकता है कि वे दोनों चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं कर पाए हों। मुझे मालूम नहीं है मीडिया आज सुबह से दिखा रहा है वो सच है या नहीं, लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे वो भी मुझे मालूम नहीं है, मगर मेरा मानना है कि इतना कंफ्यूजन रखना ही उनको आत्मविश्वास नहीं है वो दिखाता है। उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार की आज स्थिति बनी है वो अपनी परंपरागत सीटें छोड़कर भागे हैं, मैं नहीं मानता वो लड़ने की हिम्मत करते हैं। आपको बता दें कि साल 2019 के चुनावों में राहुल गांधी को अमेठी सीट से हार का सामना करना पड़ा था। उन्हें मोदी सरकार में मंत्री स्मृति ईरानी ने चुनाव में हराया था। हालांकि
वो वायनाड सीट से चुनाव जीतकर संसद पहुंचे थे। कांग्रेस का गढ़ माने जाने वाले अमेठी लोकसभा क्षेत्र में विधानसभा की 5 सीटें हैं। 2022 के चुनाव में अमेठी और गौरीगंज से समाजवादी पार्टी अपने 2 विधायक जिताने में कामयाब रही थी, जबकि सलोन सीट पर बहुत ही मामूली वोटों से हार गई थी, जबकि बीजेपी अमेठी में अपने 3 विधायक बनाने में कामयाब रही थी। लोकसभा चुनाव चरम पर है। चुनावी प्रचार के लिहाज से आज का दिन बेहद अहम रहा, लेकिन नामांकन करने वाले भी कम नहीं हैं। मुंबई से जहां आज केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने नामांकन दाखिल किया, तो वहीं बीजेपी के दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुषमा की बेटी बांसुरी स्वराज ने पर्चा दाखिल किया। महाराष्ट्र के उत्तर मुंबई लोकसभा सीट से आज भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार और केंद्र में मंत्री पीयूष गोयल अपना नामांकन दाखिल उन्होंने किया। मुंबई नॉर्थ सीट से अपना नामांकन दाखिल करने से पहले पीयूष गोयल ने मुंबई के श्री पुष्टिपति गणेश मंदिर में पूजा की। पीयूष गोयल पहली बार लोकसभा के मैदान में उतरे हैं। यहां उनके सामने महागठबंधन की तरफ से किसी भी उम्मीदवार के नाम की घोषणा अभी तक नहीं की गई है, जबकि 6 मई को नामांकन की आखिरी तारीख है। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी को मुंबई उत्तर सीट से चुनाव लड़ने का न्योता दे डाला। पीयूष गोयल ने राहुल को ओपन इन्विटेशन देते हुए कहा कि वे स्वागत करेंगे अगर राहुल गांधी उत्तर मुंबई से चुनाव लड़ेंगे। वहीं राजधानी की हॉट सीट नई दिल्ली से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रही बांसुरी स्वराज ने अपना नामांकन भर दिया है। नामांकन से पहले उन्होंने रोड शो किया। इस दौरान उनके साथ केंद्रीय मंत्री और पार्टी लीडर हरदीप सिंह पुरी नजर आए। मेरा तो ओपन इनविटेशन है, मैं तो स्वागत करूंगा कि राहुल गांधी जी उत्तर मुंबई में आए। मुझे लगता है जनता का उत्साह और बढ़ जाएगा कि मुझे और बड़े मार्जिन से जिताएं यहाँ से। भारतीय जनता पार्टी ने एक इस नई दिल्ली जो कंस्टिट्यूएंसी है बहुत नेशनली इम्पोर्टेंट कंस्टिट्यूएंसी है और एक फर्स्ट क्लास फर्स्ट रेट कैंडिडेट उन्होंने सिलेक्ट किया। आए मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं तो मैंने सुषमा जी के साथ भी काम किया हुआ। गृह मंत्री अमित शाह के फर्जी वीडियो मामले में तेलंगाना के सीएम की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। दिल्ली पुलिस ने उन्हें नोटिस भेजा है, जिसके बाद सीएम रेवंत रेड्डी तिलमिलाए हुए नजर आए और एक बयान जारी कर केंद्र सरकार पर आरोपों की झड़ी लगा रखी है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि अब तक उन्हें लगता था कि चुनाव जीतने के लिए बीजेपी सरकार ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करती थी, लेकिन अब सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट करने पर गिरफ्तारियां होने लगी हैं। आज तक अमित शाह जी ईडी इनकम टैक्स सीबीआई को इस्तेमाल कर रहे थे चुनाव जीतने के लिए। अभी मेरे समाचार मिला है तेलंगाना कांग्रेस पार्टी ऑफिस में दिल्ली पुलिस पहुंचा हुआ है, सोशल मीडिया में कोई पोस्टिंग लगा, इसीलिए तेलंगाना के कांग्रेस अध्यक्ष को तेलंगाना मुख्यमंत्री को अरेस्ट करते बोल के नोटिस लेकर तेलंगाना गांधी भवन में पहुंच गए। इसका मतलब नरेंद्र मोदी जी वही गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपने फेक वीडियो पर रिएक्शन दिया है। क्या कुछ कहा उनसे सुनते हैं। जब से राहुल गांधी कांग्रेस की कमान संभाले हैं, राजनीति का स्तर नीचे 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 ले जाने का काम कर रहे हैं और ये इसका चरम। लोकसभा में चर्चा न हो देना, राज्यसभा में बहिष्कार करा देना, शोर शराबे करना और निराधार झूठ बोलकर प्रजा में भ्रांति फैलाने का काम लगातार उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी कर रही है। और मैं मानता हूं कि अब फेक वीडियो सर्कुलरेट कर फर्जी टाइप का जनसमर्थन प्राप्त करने का ये प्रयास ये बहुत निंदनीय है। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी पर गृह मंत्री अमित शाह का फेक वीडियो पोस्ट करने का आरोप है, जिसे लेकर दिल्ली पुलिस ने उन्हें नोटिस भेजा है और 1 मई को पूछताछ के लिए बुला लिया है। दिल्ली पुलिस ने रेड्डी को फोन भी साथ लाने की हिदायत दी है। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह का आरक्षण को लेकर एक फर्जी वीडियो सोशल मीडिया पर
वायरल हो रहा है। इस फर्जी वीडियो को लेकर ये भ्रम फैलाया जा रहा था कि अमित शाह ने एससी एसटी और ओबीसी आरक्षण हटाने की बात कही, जबकि असल में गृह मंत्री शाह ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। लेकिन जो एडिटेड वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा था, उसमें शाह को ये प्रेजेंट करते हुए दिखाया जा रहा था कि उन्होंने कहा है कि अगर बीजेपी की सरकार बनेगी तो वे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को खत्म कर देगी, जबकि ये एक फर्जी और एडिटेड वीडियो है। दिल्ली पुलिस ने बड़ा एक्शन लेते हुए फेक वीडियो वायरल करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की और एक शख्स को गिरफ्तार भी किया है। लोकसभा चुनाव में अभी दो चरणों में ही मतदान हुआ है और कांग्रेस को दूसरा झटका लगा है। इंदौर से कांग्रेस उम्मीदवार अक्षय कांति बम के नामांकन वापस लेने के बाद मध्य प्रदेश की सियासत में हलचल तेज है। सूरत के बाद इंदौर लोकसभा सीट पर भी कांग्रेस के उम्मीदवार ने अपने कदम पीछे खींच लिए हैं। इंदौर लोकसभा सीट से पार्टी के उम्मीदवार अक्षय कांति बम ने अपना नामांकन वापस ले लिया। इतना ही नहीं, उन्होंने कांग्रेस से नाता तोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है, जिसकी पुष्टि बीजेपी के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के ट्वीट ने कर दी है। कांग्रेस ने इंदौर लोकसभा सीट से अक्षय कांति बम को टिकट दिया था, लेकिन वोटिंग से पहले ही अक्षय कांति ने अपने कदम पीछे कर लिए। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बीजेपी के खिलाफ अक्षय बम को डराने, धमकाने और यातना देने का आरोप लगाया है। अक्षय बम ने अपने अब तक के राजनीतिक करियर में एक भी चुनाव नहीं लड़ा है। अक्षय कांति बम पर 3 अलग अलग केस चल रहे हैं। चुनावी हलफनामे में भी उन्होंने इसका जिक्र किया। इन्हीं में से एक मामले में पिछले दिनों कोर्ट ने उनके खिलाफ हत्या के प्रयास की धारा 307 बढ़ा दी थी। ये माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी की रीति नीति और विकास को मजबूत करने के लिए शामिल हुए हैं। फिर भी बहुत सारे कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, वो आज शामिल हुए हैं। सब चाहते हैं कि देश आगे बढ़े और देश मजबूत हो, वो मोदी जी के हाथों से ही होगा, इसलिए मोदी जी के हाथ मजबूत कर रहे हैं। हम सुनते थे बिहार में कि बूथ कैप्चिंग हो जाता है, पेटियां लूट ली जाती है। हम फिल्मों में देखते हैं ऐसे प्रत्याशी को लूट लिया, मतलब ये क्या मैसेज है? ये मैसेज क्या है? ये मैसेज ये है कि हम लोकतंत्र को मानते ही नहीं। हाँ, जो अंदेशा है देश को कि तानाशाही की ओर देश जा रहा है। इंदौर से 23 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किए हैं, जिनमें से 9 ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। लिहाजा इंदौर लोकसभा सीट पर मुकाबला 14 प्रत्याशियों के बीच होगा, जहां अब इंदौर से बीजेपी प्रत्याशी और मौजूदा सांसद शंकर लालवानी समेत बाकी 14 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमाएंगे। इंदौर में 13 मई को वोट डाले जाएंगे। ये थी विशुद्ध राजनीति में आज की बड़ी राजनीति खबरें। ऐसी खबरों के साथ हम कल फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।